73वां राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह मंडी जिला के पधर उपमंडल मुख्यालय पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पधर के प्रांगण में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके उपरांत इसके परेड का निरीक्षण करके सलामी ली। अपने संबोधन में सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश में अब तक हुए विकास पर विस्तार से जानकारी दी और उनकी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कोरोना योद्धाओं को अप्रैल और मई महीने में 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। ये मानदेय वार्ड सिस्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉयज और आशा कार्यकर्ताओं को ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संकट की स्थिति में यही लोग मरीज का परिवार की तरह ख्याल रख रहे हैं। इस कोविड के काम में जो लोग काम कर रहे हैं और खास तौर से ऐसे लोग जो हमारे क्लास 3 क्लास 4 के जो ऐसे कर्मचारी हैं जो सीधा कोविड-19 के पेशेंट की जो है उनकी मदद कर रहे हैं, उनके इलाज में लगे हैं, उनकी सेवा में लगे हैं, सीधे डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं, जैसे वार्ड सिस्टर है, स्टाफ नर्सिस हैं, वार्ड बॉयज हैं, क्लास फोर के जो हमारे कर्मचारी हैं, आशा वर्कर्स हैं, इन सभी को जो है उन्हें में ये उन्हें बहुत बेहतरीन सेवाएं हमारे लिए दिए हैं, क्योंकि इस वायरस के कारण परिवार का सदस्य जब मरीज के पास जा नहीं सकता है, यही लोग उनका परिवार है मरीजों का, यही उनके रिश्तेदार हैं, यही लोग उनके अपने हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं वहाँ पर, और उनके लिए मैं माह अप्रैल और मई दो माह के लिए जो है वो प्रति माह 1500 रुपए की दर से जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है ऑनरेरियम की घोषणा करता हूँ, 1500 रुपए इनको दिया जाएगा, जिनका मैंने जिक्र किया, वार्ड सिस्टर है, स्टाफ नर्सिस हैं, वार्ड बॉयज हैं, क्लास 3 एम्प्लॉयज हैं, आशा वर्कर्स हैं, इन सबको। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के होटल कारोबारियों को भी राहत का ऐलान किया। होटल कारोबारियों के लिए इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की। वहीं बिजली पानी के डिमांड चार्जेस 2 महीने के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों को भी यही छूट दी गई है। इन चार्जेस को बाद में जमा करवाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। हमारी जो इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम को जो है वो 3 माह के लिए अर्थात जून 2021 तक इसको बढ़ाने की भी मैं यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम में घोषणा करता हूँ, ताकि उन लोगों को थोड़ी राहत इसमें मिल सके। उसी प्रकार से जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे चाहे होटल्स हैं, टूरिस्ट लॉज हैं, टूरिज्म यूनिट्स हैं, के जो हमारे जो डिमांड चार्जेस होते थे जो पानी के बिजली के, उसके लिए भी हमने तय किया है कि जो हमारे कमर्शियल जो चार्जेस होते थे 2 माह के लिए उनको हमने स्थगित करने का निर्णय लिया है, ताकि उनको भी हम राहत दे सकें और बाद में अगर स्थिति में सुधार होगा तो आगे उस पर विचार करेंगे। और इसी प्रकार से जो प्राइवेट स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी बार बार इस बात के लिए आग्रह कर रहे थे कि हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो उनके लिए भी मैं यही कहना चाहता हूं, जो डिमांड चार्जेस जो लगते हैं उनको भी जो है वो हम स्थगित करने के लिए फिलहाल यहां मैं घोषणा करता हूं, ताकि आने वाले समय में जब कोविड की सिचुएशन सुधरेगी, ताकि वहां पर भी उनकी भी हम मदद कर सके, उस दृष्टि से भी मैं आपके बीच में ये बात कह रहा हूं। प्रदेश के ट्रांसपोर्टर सेक्टर के लिए भी इंस्ट्रक्टेड सबमिशन योजना तैयार करने की बात मुख्यमंत्री द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि स्टेट कैरिजेस से वसूले जाने वाले SRT और कॉन्ट्रैक्ट कैरिजेस पर टैक्सियों से वसूले जाने वाले टैक्स में 2 महीने यानी अप्रैल और जून में 50% की कटौती की जाएगी। हालांकि सीएम ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की, जबकि वे DA की घोषणा के इंतजार में बैठे थे। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें भी जो कोविड-19 का जो प्रभाव जो है बहुत ज्यादा पड़ा है, अतः मैं घोषणा करता हूं कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए भी इंटरेस्ट सबमिशन की योजना तैयार की जाएगी, ताकि उनको भी हम और मदद कर सकें, ताकि उनके लिए जो कठिनाई का दौर उनके सामने आया, उनके परिवार के लिए आया, उसमें हम मदद करके जो है उनके लिए आसान शर्तों पर जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, उन सारी चीज़ों पर भी हम विचार करेंगे। इसी तरह से जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो इसी सेक्टर में विशेष तौर पर जो
जो स्टेज कैरिज की को हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो SRT की अगर मैं बात कहूँ तो उसके लिए अप्रैल से जून महीने तक 50% की छूट दी जाएगी। ये भी हम आपके बीच में यहाँ पर कहना चाहते हैं ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस तथा टैक्सीज के जो हमारे जो टैक्सियाँ होती हैं हमारी उनको भी हम जो हम पैसेंजर टैक्स में भी हम 3 माह के लिए अर्थात अप्रैल से लेकर के जून तक के लिए 50% की छूट देने की उसमें घोषणा करता हूँ ताकि उनको भी हम थोड़ी मदद कर सकें। इस मौके पर CM ने 150 स्कूटियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये स्कूटियां प्रदेश के सभी थानों में महिला सहायता डेस्कों के लिए दी गई हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होंगी। वहीं CM ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और अन्य विभूतियों को सम्मानित भी किया। समारोह में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव अनिल खाची और DGP संजय कुंडू सहित जिला के तमाम विधायक और गणमान्य लोग मौजूद रहे।